हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्रीज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं पोटैटो वेजिस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती है। हम इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए पोटैटो वेजिस बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 आलू लिया है, ये कच्चा आलू है। इसे पहले छील कर धो लेना है और फिर से हाफ हाफ में डिवाइड करके इस तरह से 4 हिस्सों में इसे कट कर लेना है। बहुत ही ईजी रेसिपी है ये और खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगती है। बाकी सारे भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे पोटैटो को मैंने कट कर लिया। अब इसे बॉईल करते हैं। तो एक पैन को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब इसे बॉईल होने देते हैं। तो अब बॉईल किए हुए पानी में हम जो कटे हुए पोटैटो इसे ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है और हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। हमें इसे पूरा नहीं पकाना है, हाफ कुक्ड होना चाहिए ये। तो यहाँ पर 3 मिनट के बाद मैं इसे निकाल ले रही हूँ। गैस का फ्लेम बंद कर दिया है मैंने। इसे ठंडा होने देते हैं, तब तक के लिए हम बैटर तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल में ऐड करना है 1/4 कप कॉर्नफ्लावर, 3/4 कप मैदा, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करना है, सॉल्ट टेस्ट के मुताबिक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून तिल ऐड किया है, 1 टीस्पून ड्राई बेसिल लीव ऐड किया है, 1 टीस्पून वेनेगर ऐड करना है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करना है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसे हम थिक बैटर तैयार कर लेंगे। पानी एक साथ पूरा नहीं ऐड करना है हमें। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इतना थिक बैटर मैंने तैयार कर लिया है। अब हम जो हाफ कुक्ड पोटैटो इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके जो बैटर है उसकी कोटिंग करेंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से स्पून की हेल्प से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब हम इसको 20 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। 20 मिनट के बाद इसे डीप फ्रीज़र से निकाल लिया है मैंने और आप देख सकते हो अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो गर्म ऑयल में हम सावधानी से एक एक करके इसमें ऐड करेंगे और इसे हम क्रिस्पी होने तक के लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इसका कलर हल्का सा चेंज होने तक हम फ्राई करेंगे। तो देखिए हल्का सा सुनहरा कलर इस पर आ गया है। इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब बाकी के भी सारे इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी फ्राई हो चुका है, इसे भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो यहाँ पर हमारा पोटैटो वेजिस बन के तैयार हो चुका है और मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये ऊपर से बिल्कुल भी क्रिस्पी है और अंदर से ये अच्छे से बॉयल हो चुका है, ऐसा नहीं कि कच्चा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।